वेतनमान की मांग को लेकर झारखंड के पारा शिक्षक ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। पारा शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। पारा शिक्षकों से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहिजुद्दीन ने। रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान परिसर में पेड़ के नीचे शिक्षकों की पाठशाला चल रही है। दरअसल एक मांग वेतनमान मांग के लिए झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से सहायक टीचर, कह सकते हैं सहायक आचार्य, जो पारा टीचर हैं, ये सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए रांची पहुंचे हैं और आज मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए भी निकले थे। हालांकि प्रशासन ने इन्हें बीच रास्ते में रोक दिया और आंसू गैस के गोले दागे गए। यहां तक के वाटर कैनन का इंतजाम भी रखा गया था कि इन सहायक, कह सकते हैं सहायक आचार्य या पारा टीचरों को रोक दिया जाए, लेकिन इनकी जो मांगे हैं इस पर ये अडिग नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम इसी तरह से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। पारा शिक्षकों से ही बात करते हैं। एक मांग वेतन मांग, ये मांग को लेकर आप लोग आंदोलनरत है, आज मुख्यमंत्री आवाज भी घेराव करने निकले थे, हालांकि रोक दिया गया, अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोगों की मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। विगत 21 वर्षों से ये जो सरकारें जितनी भी आई, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, हम लोगों को सिर्फ ठगने के काम किया। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब सत्ता पे आए तो उन्होंने बोला था कि 3 महीने में जो है कि पारा टीचरों को अस्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन ये ढाक का 3 पात हुआ। पारा शिक्षकों को कुछ आज तक जो है कुछ नहीं मिला। ये हमेशा शिक्षकों को प्रताड़ित करते रहते हैं। अभी आते ही समय में सारे जगह मोराबादी मैदान को जो है कि मार्केटिंग कर दिया गया है। अभी भी हजारों शिक्षक जो है रोड में घूम रहे हैं, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। कितने शिक्षक है लगभग? लगभग हजारों की संख्या में अभी भी बाहर में है, मैदान तक नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। 20-21 साल पुराना बात है, ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे? चूंकि अब वक्त बीतता जा रहा है, फिर से हेमंत सोरेन की सरकार आप लोगों के सामने है। आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए लास्ट आए हैं, अगर हो सके तो दे, वरना तो फिर अपना उसको सत्ता से बेदखल करेंगे जिस तरह रघुवर को किए थे। इनका भी बारी अब के बाहर है। रांची उपायुक्त और SSP भी आप लोगों से मुलाकात के लिए आए थे, कुछ बात बनी? इस तरह से प्रलोभन तो सभी आते हैं, पदाधिकारी और दे रहे हैं, ऐसे हम लोग नहीं मानेंगे। या तो वार्ता की बात हो, लेटर निकाले, या तो शिक्षा मंत्री हम लोग से वार्ता के लेटर निकाले, शिक्षा सचिव, या तो फिर मुख्यमंत्री आके डायरेक्ट हम लोग के जो अगुआ साथी उससे वार्ता करें, जो होगा उन्हीं लोग के। क्या दादा, क्या वार्ता हुई, कुछ सफल बातचीत हुई? अभी तक तो नहीं लग रहा है। अब क्या करेंगे सर? आगे से हम लोग हड़ताल करेंगे, जो नेता मंत्री जाएगा उसको बेइज्जत करेंगे फील्ड में। बहरहाल तो झारखंड में शिक्षा का अलख जगाने वाले शिक्षक आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि इनको जो वेतन मान मिलता है वो भी कहीं ना कहीं बकाया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अपने एक मांग वेतन मान की मांग के साथ झारखंड राज्य के हजारों की संख्या में जो शिक्षक है वो सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हमारा आंदोलन इसी तरह से बदस्तूर जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी हेमंत सरकार में कोई चमत्कार इनके साथ होता है या फिर इसी तरह से अपने मांग को लेकर ये संघर्ष करते रहेंगे। सहयोगी शताब के साथ मोहिजुद्दीन, TV45 रांची।